हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, अगर आप मिर्च की खेती करते हैं और मिर्च की पत्तियां सिकुड़ रही हैं जिसके कारण आपकी फसल में पौधे का विकास रुका हुआ है और फल फूल नहीं आ रहे हैं या आते हैं तो गिर जाते हैं जिसके कारण आपका काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, तो इसी समस्या पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल में किन किन कारण से पौधे की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और उन्हें हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं, और साथ में यह भी बताएंगे कि फल फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए किस दवा का प्रयोग करें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, और बात करेंगे इन दवाओं की मात्रा डोज प्राइस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मिर्च में लीफ कर्ल यानी पत्तियों में सिकुड़न रोग किन कारणों से आता है तथा उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मिर्च की फसल में लीफ कर्ल रोग दो कारणों से आता है, थ्रिप्स और माइट के अटैक से यह रोग काफ़ी मात्रा में आता है। थ्रिप्स और माइट के आक्रमण से यह इंसेक्ट पत्तियों का रस चूसने लगते हैं और पत्तियों द्वारा बनाए गए फूड को ये चूस लेते हैं और पौधा स्ट्रेस में आ जाता है जिसके कारण पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले पहचान करना होगा कि थ्रिप्स का अटैक है या फिर माइट का, क्योंकि पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पहचान नहीं कर पाते हैं कि किस कारण से यह रोग आ रहा है तो आप उसका सटीक इलाज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन्हें हम किस प्रकार से जान सकते हैं, यानी कि इस रोग की किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर पौधे की पत्तियां अंदर की ओर सिकुड़ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप है। इसके अलावा अगर पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ती दिखाई दें तो माइट यानी मकड़ी का प्रकोप हो सकता है। थ्रिप्स और माइट इस रोग के वाहक होते हैं। आसान भाषा में हम कहें तो थ्रिप्स और माइट या फिर अन्य कीट रस चूसने वाले जो सकिंग पेस्ट होते हैं वे सब रोगग्रस्त पौधे पर बैठते हैं, तो रोग फैलाने वाले जीवाणु इन कीटों से चिपक जाते हैं और जब ये कीट स्वस्थ पौधे पर जाते हैं तो उसे भी रोगग्रस्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, यानी कि इस रोग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जिस पौधे में रोग के लक्षण दिखाई दें उसे खेत से निकालकर ज़मीन में गाड़ दें या फिर उसे जला दें, इससे संक्रमण नहीं होगा। इसके अलावा आप रासायनिक दवाओं का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप डाउ इंडस्ट्री का डेलीगेट इंसेक्टिसाइड और बायर का एडमायर इंसेक्टिसाइड का कम्बिनेशन बना सकते हैं। यह कम्बिनेशन 100% रिजल्ट देगा। इस कम्बिनेशन का आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेज पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव इस कम्बिनेशन का यूज करते हैं तो आपकी फसल पे लीफ कर्ल रोग आने नहीं पाएगा, और अगर रोग लग चुका है और शुरुआती लक्षण दिखने पर आप इसका यूज करते हैं तब भी आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। बात करें अगर हम इनके टेक्निकल की, डेलीगेट में स्पाइनोटेरम 11.7% एससी फॉर्म में आता है और एडमायर में इमीडा क्लोरोपिड 70% WG फॉर्म में आता है। और बात करें अगर हम इसके डोज की तो डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को 80 ml तथा 50 ग्राम एडमायर को 150 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। डेलीगेट 180 ml लगभग 1800 रुपये के आसपास आता है और प्रति एकड़ इसका 800 रुपये लगभग खर्च आ जाता है। इसके अलावा इमीडा क्लोरोपिड 50 ग्राम लगभग 300 से 350 रुपए के आसपास मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इस रोग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और मिर्च की फसल में फल फूल की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिए आप फैंटैक प्लस या फिर बिंचविन जैसी टैनिक का उपयोग कर सकते हैं, इससे आपकी फसल में फल फूल की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी मिर्च की फसल से रोग को ख़त्म कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।